भिवानी में कृषि मंत्री जेपी दलाल की अध्यक्षता में हुई युवा मोर्चा की बैठक। इस दौरान जेपी दलाल ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में दुनिया हमारे युवाओं के लिए अपने दरवाजे खोलेगी और इसके बाद बेरोजगारी दूर होगी। बेरोजगारी आज प्रदेश ही नहीं बल्कि देश और दुनिया की बड़ी समस्या है। हरियाणा में भी विपक्ष लगातार सरकार को घेर रहा है। बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर सरकार से सवाल किए जा रहे हैं, लेकिन सत्ता पक्ष की ओर से लगातार कहा जा रहा है कि सरकार बेरोजगारी को कम कर रही है। इसी कड़ी में भिवानी के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में बीजेपी जिला युवा मोर्चा की बैठक हुई। इस दौरान कृषि मंत्री जेपी दलाल का कहना रहा कि पीएम नरेंद्र मोदी की अगुवाई में देश आगे बढ़ रहा है, दुनिया के दरवाजे हमारे युवाओं के लिए खुलेंगे और बेरोजगारी दूर होगी। जी का नेतृत्व इसी तरह बढ़ता रहा तो एक दिन में अगले आने वाले वक्त में ऐसा टाइम आएगा कि सारी दुनिया, सारे बैरियर खुल जाएंगे, भारत के युवाओं का दुनिया में स्वागत होगा, बेरोजगार की समस्या खत्म हो जाएगी, सारा देश के युवा नागरिक विश्व की बूढ़ी हुई जनता का सेवा करेंगे। अमेरिका, यूरोप, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जहाँ पर युवा की संख्या घट गई है, जो हमारे युवा है, जो हमारा मानव संसाधन है, ये दुनिया की सेवा करेगा। जेपी दलाल ने सरकार की उपलब्धियों को गिनवाया और कहा कि बीजेपी सरकार शिक्षा नीति में भी बदलाव कर चुकी है, जिससे युवाओं को रोजगार मिलने में काफी आसानी होगी। पुरानी शिक्षा व्यवस्था थी, उसको बदलने की कोशिश की है और इन युवाओं का, हमारे जैसे जब युवा थे, ना बिजली होती थी, ना पानी होते थे, ना स्कूल होते थे और ना कनेक्टिविटी से दुनिया में थी, ये तो भाग्यशाली हैं। आज सारा YouTube, Facebook, सोशल मीडिया सब दुनिया से ये जुड़े हुए हैं। निश्चित तौर पर रोजगार किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की अहम कड़ी होता है। हालांकि हर सरकार की तरफ से बेरोजगारी दूर करने के अनेक वादे किए जाते हैं, लेकिन ये वादे चुनावी वादे ही बनकर रह जाते हैं।